ओके हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ शॉर्ट 3D एनिमेशन फिल्म। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड मॉडल का बेसिक्स कैसे बनाते हैं। मैं आपको जब लाइव में आता हूं तो बहुत सारी बातें बताता हूं, वो सब चीज़ मैं यहां वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकता। ओके उसके लिए आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो मैंने टेक्निकली पढ़ाया है वही मैं आपको बताऊँगा। ओके सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड मॉडल बेसिक्स। अभी देखिए मैं आपको ये VLC मीडिया प्लेयर का फाइल और एक बार आपको दिखाता हूँ। ओके तो हमारा जो स्टोरी था, ओके सो उस स्टोरी का मॉडल कैसा था आप देख लीजिए, आप रिकॉल कर लेंगे यहाँ से। सो ये वाला था मेरा मॉडल, बैकग्राउंड मॉडल मेरा इस तरीके का। फोर फ्रेंड्स friends okay dekhiye they always helped background model tha wo is each other tha, like friends there yes gaze down at the you don't want the deer is okay ye dekhiye is tarike ka hamara background tha, matlab piche hamara ek ped hai, bushes hai, ground hai, wo is tarike ka hai। to ye jo hai 2d hai, hum log jo bana rahe hain wo 3d hai। to hamara jo object kaise banega uska bhi main aapko ek reference dikha deta hu, ये वाला, इसका लिंक भी आप सर्च कर लीजिए, 3D कार्टून टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके लाइक दिस, ये लिंक भी मैं आपको कभी बाद में शेयर कर दूंगा, मैं इसको नोट करके रखता हूँ। ओके ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरीके का होगा। ओके सो ये 3D होगा सो दैट हम इसको चारों ओर एंगल घुमा के दिखा सकें। ओके तो कैसे मैंने इसको बनाया, इसका मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राउंड बनाऊँगा। ग्राउंड हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके मैं इसको न्यू फाइल कर देता हूँ, जनरल ऐसे मेरा बना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ग्राउंड पहले बनाएंगे, गो टू ऐड मैश प्लेन नंबर वन। उसके बाद क्या करना है, टैब प्रेस करेंगे, पॉलीगन मोड में जाएं, फेस मोड में जाएंगे, कीबोर्ड में ए प्रेस कर देंगे, सब सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक प्रेस करेंगे, सब डिवाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। सब डिवाइड में आपको क्या करना है, ये जो सब डिवाइड का नंबर है इसको हम लोग चेंज करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 है तो आप 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 10 कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मूव टूल में जाएंगे, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, आप इसको जूम कर लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा ऐसे ऊपर उठाता हूँ। अभी आप बोलेंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो अभी देखिए आपका जो ग्राउंड है, हमारा जो भी कैरेक्टर होता है, स्टोरी होता है, ये ग्राउंड स्ट्रेट नहीं होता है। गांव का आपने ग्राउंड देखा होगा, जंगल का अप डाउन होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो भी है इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा अप डाउन ऐसे मूव करना है। आप ये प्रोपोर्शनल ऑनिंग ये ऑन कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, और थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाएगा। ओके यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके प्रोपोर्शनल साइज का फॉर्मेट सेटिंग्स, ये स्मूथ आ रहा है, ठीक है। ओके हम लोग इसको स्मूथ ही चूज़ करेंगे। ओके ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, अभी मैं इसको जस्ट रफली आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे अप एंड डाउन हो जाएगा। जहाँ पे हमको ये प्रोपोर्शनल ऑफ नहीं चाहिए इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो ऐसे अप डाउन करके ये लगेगा। तो इसको ऐसे घुमा के देखिए तो आपको लगेगा कि ये जो आपका जंगल का पार्ट है थोड़ा ऐसे पहाड़ जैसा उठ रहा है, उसके बाद ऐसे नीचे आ जा रहा है लाइक दिस। ओके इसको स्मूथ कैसे करना है, इसको मैं अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे स्मूथ करना है। ओके टैब मोड से बाहर आ जाएंगे, ऐसे लाइन्स आएंगे, आपको यहाँ पर मोडिफायर में जाना है, प्रॉपर्टीज़ एड मोडिफायर, सब डिविज़न सरफेस ऐड करना है, और यहाँ व्यू पोर्ट का नंबर बढ़ा देना है। तो अभी आप जूम करके देखिए ये वाला ऐसे अप डाउन होके आ रहा है। अभी कलरिंग नहीं दिया हुआ है, पूरा कलर फ्लैट है, तो इसीलिए आपको डेप्थ सिर्फ थोड़ा दिखाई दे रहा है। जब हम लोग इसका टेक्सचरिंग कर लेंगे तो पूरा आपका अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राउंड बन गया। तो अभी मैं बोलूँगा मुझे ये वाला एक ट्री करना है। कैसे करना है, तो ये जस्ट आपका विजुअलाइजेशन है। मैं इसको देखिए कैसे करता हूँ, आई गो टू ऐड मैश, मैं एक क्यूब डाल दिया। ओके क्यूब बहुत बड़ा हो गया,
क्यूब का प्रॉपर्टीज से इसको स्केल कर लेते हैं, ये बहुत छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं। ओके, ये मैं स्केल कर लिया। इसके बाद पूरा छोटा होता है पेड़। ओके, मतलब इन कंपैरिजन टू दिस ग्राउंड। ऐसे इसको थोड़ा ऐसे ऊपर उठा देंगे, अभी भी ये बहुत वाइड हो गया। इसको पूरा छोटा करते हैं ऐसे, और छोटा लाइक दिस। इसको जूम करते हैं। इसका जो तना है, ग्राउंड है, ये स्क्रीन के थोड़ा नीचे रहने से चलेगा। ओके, लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा ऐसे ऊपर उठाया ताकि कट ना जाए, हाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाए। तो अभी इसको मैं टैब मोड में जाऊंगा, ऊपर का पॉलीगन सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, लाइक दिस। अभी इसको मैं एक बार देख लिया ऐसे करना है, तो प्रेस ई एक बार, प्रेस ई दो बार, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं यहाँ से। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। वायर फ्रेम में जाएंगे, मूव टू स्केल करना है इसको ऐसे, इसको वर्टेक्स मोड में लेंगे, स्केल कर देंगे। ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, देख लीजिए, हाँ ऐसे। फिर ये वाला जो है वर्टेक्स, ये थोड़ा ऐसे आएगा, ये थोड़ा उधर से भी ऐसे आएगा, पेड़ जैसे होता है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये और थोड़ा पतला हो जाएगा ऐसे, इधर से और उधर से। ओके, अभी आप शेड मोड में आ जाइए, तीसरा वाला। ओके, टैब प्रेस कर लीजिए। ओके, लाइक दिस। अभी देखिए, जब तक कलर ऐड नहीं होता इसमें मुझे डेप्थ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कलर ऐड प्रोसेस आपको मालूम है, यहाँ मटेरियल्स में जाएंगे, अगर आप नए हैं तो देख लीजिए, ये सिलेक्ट है, ये मटेरियल्स में जाएंगे, आप न्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसका कलर दे देंगे, जो भी ब्राउन है या जो भी आपको चाहिए दे देंगे। हम लोग बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले जो दिया वही हमेशा रहेगा, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने पेड़ का नीचे का जो पार्ट है मैंने ऐसा सोच के कर दिया। अभी आप बोलेंगे ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए कैसे मैं निकालता हूँ। टैब में जाएंगे, पॉलीगन मोड में जाएंगे, यहाँ मैं ई प्रेस कर देता हूँ और थोड़ा ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस कर देंगे, दो बार मैं कर देता हूँ ऐसे, नहीं एक बार करते हैं, इधर से ई एक बार कीजिए, इधर से ई एक बार कीजिए, आप इधर से ई एक बार कीजिए। इसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, रोटेट टूल में जाइए, इसको ऐसे घुमा दीजिए और मूव टूल में लेके इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ओके, देखिए, हम सिर्फ ऊपर लेने से नहीं होगा, इसको रोटेट करके इसका जो फेस है ये ऊपर की तरफ फेसिंग होना चाहिए, तब जाके जो दूसरा एक्सट्रूड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ओके, इसको सिलेक्ट करके रोटेट, इसको मूव। तो अभी हमको लग रहा है कि बार बार मूव करना पड़ता है, तो मूव टूल का शॉर्टकट मालूम होने से बेटर होता। तो ठीक है, मूव टूल का और रोटेट का शॉर्टकट देख लेते हैं। रोटेट का है आर। मैंने आर में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स एक्सिस ऐसे देना पड़ेगा, फिर वाई देना पड़ेगा, फिर जेड देना पड़ेगा, ये एक तकलीफ भी है आपके लिए। जी है मूव टूल, ऐसे मूव हो जाएगा, आपको एक्स वाई जेड देना पड़ेगा मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बेटर आप यहीं से मूव टूल यूज़ करें। ओके, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से मूव कर दिया ऐसे। अभी इसको दोबारा एक्सट्रूड कर लेते हैं ऐसे, इसको फिर दोबारा कर लेते हैं ऐसे, और एक बार एक्सट्रूड कर लेते हैं ऐसे। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन एक बार आपने लाइब्रेरी बना के रख दिया तो सालों साल काम आएगा। ओके, एक्सट्रूड ऐसे, फिर मूव ऐसे। तो देखिए, एक्सट्रूड और मूव टूल एक साथ सिलेक्ट किया हुआ है, तो कितना आसानी से ये हो जा रहा है, एक्सट्रूड और यहाँ से मूव हो गया, फिर ऊपर से लिया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया। ओके, सो ट्री का जो ब्रांचेस होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि यहाँ से ही निकलना चाहिए। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पेड़ का ब्रांच जैसे भी होता है वो ऐसे जा सकता है। ओके, लाइक दिस। ये देखिए, मैंने पेड़ का ब्रांचेस इस तरह ड्रॉ कर दिया। स्मूथ कैसे होता है मैंने दिखा दिया हुआ है, वो हम लोग लास्ट में स्मूथ कर लेंगे। टैब ऑफ कर दीजिए। अभी मान लीजिए ये मेरा पेड़ का ग्राउंड ऐसे हो गया, तो स्मूथ कैसे करते हैं, इसको एक काम करते हैं। देखिए, जब करते हैं तो क्रिएटिवली बहुत आइडिया आता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे थोड़ा होना चाहिए। तो ये सब आप इम्प्लीमेंट करके कीजिए, बहुत
इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, ठीक है। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑड हो गया है, मतलब डब्बा जैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो टैब प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस कर देंगे। ये जो व्यूपोर्ट 1 है इसको 2 कर दीजिए। इसके बाद देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी आप कीबोर्ड में टैब प्रेस कीजिए, आप वर्टेक्स मोड में जाइए, अभी आप इसको एडजस्ट कीजिए, देखिए कितना बढ़िया लगेगा आपको शेप। अभी आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पूरा एक पेड़ के जैसा बन रहा है। पहले एक एक वर्टेक्स जब दिखता था तो आपको लग रहा था ये क्या, ऐसा पूरा एक ही साइज लग रहा है, मोटा पतला नहीं लग रहा है। मोटा पतला होने से ही लगेगा कि वो पेड़ है। तो अभी कोई भी वर्टेक्स को कहीं से भी सिलेक्ट करके आप इधर उधर ड्रैग करके देखिए, तो आप देखेंगे अभी आपको एक पेड़ का नेचुरल शेप के जैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पेड़ का नेचुरल शेप क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब वो 100% एक ही जैसा नहीं होता, तो कहीं पर भी वो मुड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा अभी पेड़ के जैसा लग रहा है, फिर भी ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है। इसको और थोड़ा यहाँ पे मूव कर देते हैं, इसको यहाँ से और थोड़ा मूव कर देते हैं। वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा, ओके। एक ही बार देखने में मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगा, फिर भी आजकल दुनिया के लोग स्मार्ट हैं, एक बार बोलने से समझ जाते हैं, ओके। सो ये मान लीजिए मैंने ऐसे रखा, ये थोड़ा और लग रहा है, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ओके। तो कितना मिनट हो गया, 11 मिनट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड ए ब्रांच, ओके, ब्रांच ऑफ द ट्री। और 4 मिनट लग जाए, 15 मिनट हो जाए, इसका ये वाला भी कर देते हैं। ये वाला जो है बहुत इजी है। क्या करना है आपको, सीधा जाना है ऐड में, मैश में, यू हैव टू ऐड ए यूवी स्पीयर। बहुत बड़ा हो गया स्पीयर, स्पीयर को यहाँ प्रॉपर्टी से 0.2 कर लेते हैं। तो मतलब मैन्युअली जाके स्केल करने में टाइम लगता है। तो अभी देखिए छोटा होके आ गया, आप इसको ऐसे मूव कीजिए, ऐसे वो शेप जैसा है, इसको मूव करके, ये मूव करके रखना थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि घुमा घुमा के रखना पड़ेगा, ओके। एक बार का मेहनत है, एक बार लाइब्रेरी बना दिया, आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही पेड़ आपका 50 स्टोरी में लग जाएगा। एनिमेशन में यही एक एडवांटेज है, ओके, कि एक बार आपने लाइब्रेरी बना दिया, आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेकिन पहला बार बहुत मेहनत का काम है, अच्छे से बनाना है तो बहुत मेहनत का काम है, ओके। यहाँ देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर डाल दिया। अभी इसको कॉपी कैसे करेंगे, शिफ्ट डी, कीबोर्ड में एक्स प्रेस कर दिया मैंने, इसको फिर यहाँ स्केल करके थोड़ा छोटा कर दिया। सी, दीज आर ऑल हिट एंड ट्रायल। ये मैं आपको बताऊंगा कि 4-10 मिनट तक इसको दिखाऊंगा, मूव करके रखना तो आपको बोर लगेगा। तो आप सिर्फ एस्टिमेट कर लीजिए, शिफ्ट डी एक्स मैंने कॉपी कर लिया। 3 बनने के बाद क्या कर सकते हैं, शिफ्ट पकड़ के तीनों को कॉपी कर सकते हैं, शिफ्ट डी करके आप इसको यहाँ रख दे सकते हैं, शिफ्ट डी करके यहाँ रख दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल ऐसा स्केल कर सकते हैं ताकि शेप थोड़ा अलग लगे, क्योंकि सेम शेप लगेगा तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा सा रोटेट हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा होना चाहिए और अलग अलग जगह पे होना चाहिए। अभी देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। अभी आप व्यू में देखिए कि ये मेरा पेड़ बना, ये इसको थोड़ा स्केल कर देते हैं ऐसे। आपको स्केल, रोटेट, सारा कुछ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसको मूव करके नीचे रख देते हैं, टॉप व्यू से जाके देख लीजिए। हाँ, मुझे ये जगह थोड़ा और लग रहा है। शिफ्ट पकड़ के ये तीनों सिलेक्ट करेंगे, रोटेट कर लेंगे ताकि ये ब्रांच के ऊपर से कवर कर जाए, ओके, ऐसे। अभी मैं शिफ्ट पकड़ के डी करके एक एक्स कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रख लेता हूँ ताकि पेड़ थोड़ा भरा पूरा लगे, ओके। इधर से तो ठीक लग रहा है, फ्रंट में घुमा के देखते हैं, हाँ शायद चलेगा, यहाँ रहेगा। मतलब जब मैं कैमरा एंगल को, मान लीजिए हम लोग एनिमेशन का स्टोरी दिखा रहे हैं कि कैमरा एंगल टॉप से लेके ऐसे हम लोग पैन करके आ रहे हैं अपना सीनरी में, लाइक दिस। 2D में ये चीज़ संभव नहीं है, 2D संभव नहीं है, मतलब बहुत ड्राइंग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 3D में ये चीज़ आपका फटाफट हो जाएगा। एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसको चारों ओर डाल रख के डाल दे सकते हैं। और हम लोग इस स्टाइल का बना रहे हैं तो देखिए आपका कलरिंग, टेक्सचरिंग में और बहुत सारा डिटेल आएगा, ठीक है।
आप उसका चिंता मत कीजिए। अभी ऑब्जेक्ट का मॉडल शेप बनाइए, देखिए ये मेरा मॉडल बन गया, तो ऐसे मैंने पेड़ बना दिया। तो ऐसे आप यहाँ पे बुशेस भी बना सकते हैं। दो मिनट में यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। क्या करता हूँ, ऐड मैश, मैं एक कोन बना लेता हूँ। ओके, कोन, कोन को भी स्केल कर देते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, स्केल कर देते हैं, यहाँ से भी स्केल कर देंगे और फिर यहाँ से भी स्केल कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा से जब छोटा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ये स्केल हो गया और इधर से होगा। इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं ग्रीन कलर दे दूँगा, थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ये शायद पीछे रह गया कहीं पे या इसके अंदर रह गया, इसको बाहर ले आते हैं। इसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं। न्यू मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से ग्रीन कर देंगे। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली बार में आपने कलर समझ लिया तो दूसरी बार आपको वहीं जाना है, कहीं दूसरा जगह जाना नहीं है। तो अभी आप इसको रोटेट कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, शिफ्ट डी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में थोड़ा कॉपी कर लिया, इसको मैं फिर थोड़ा ऐसे रोटेट कर लिया जैसे घास बनते हैं, ठीक है। शिफ्ट डी और थोड़ा मूव कर लिया, इसको और थोड़ा ऐसे रोटेट कर लिया, शिफ्ट डी और थोड़ा ऐसे नीचे ले आया, मतलब छोटा बड़ा होने से और अच्छा लगेगा, थोड़ा रोटेट कर लिया। अभी आप एंगल घुमा के देखिए हमको अभी दूर से क्या लग रहा है, जैसे एक पेड़ रखा हुआ है और पेड़ के नीचे ऐसे रखा हुआ है। ग्राउंड का कलर न्यू कर देते हैं, इसको एक ग्राउंड का थोड़ा सा ब्राउनिश कलर अभी दे देते हैं। टेक्सचरिंग में बाद में सिखाऊंगा, जहाँ पे आप पूरा शेडेड कलर देंगे, ऐसे जैसे ग्रीन ब्राउन अलग अलग मिलके हुआ है, ये टेक्सचर में होगा। ओके, सो ये वाला हमने सेकेंड क्लास का जो है वीडियो, सेकेंड क्लास का जो शॉर्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट है, तो हमने इतना आपको बना के दिखाया है, तो आप भी इतना सा बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसमें हम लोग यहाँ पे और ऐसा क्या क्या एलिमेंट है, मैं उसका एक लिस्ट बनाऊंगा और ईच एंड एलिमेंट को आपको बना के उसको कंपोज करके प्लेस करके दिखाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बैकग्राउंड्स हैं ओके, उसको सारा कंपोज करके रेडी कर देंगे। ओके, 3D में बैकग्राउंड बनाने में एक मज़ेदार चीज़ है। ओके, तो 3 मिनट और मैं बता देता हूँ, स्टोरी है तो आप बंद भी कर सकते हैं वीडियो को, टेक्निकल पार्ट नहीं है, स्टोरी में आपको समझा देना चाहता हूँ। 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, 2D में क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे हमारा जो स्टोरी था, यहाँ पे 3 कैरेक्टर बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, और दूसरा शॉट में दिखाया गया है कि हंटर मतलब डीर कहीं पे फंसा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 2D में बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का बैकग्राउंड एक अलग फाइल में बनता है और हंटर का सीन अलग फाइल में बनता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल शॉट हम लोग बना दे सकते हैं, मतलब एक ही फाइल में। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, एक ही फाइल में एक ही जगह पे बैकग्राउंड 1, यहाँ पे बैकग्राउंड 2, यहाँ पे बैकग्राउंड 3, मतलब यहाँ पे 3 दोस्त डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे वो 3 दोस्त जो हैं मतलब डीर वहाँ पे पकड़ा जाता है, वो वहाँ पे बैकग्राउंड कर देंगे इसी फाइल में, और दूसरा जगह जो हंटर जो उसको लेक में लेके जाने वाला होता है वो उसको सिर्फ यहाँ और थोड़ा सा दूरी में कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या है, आपका ग्राउंड यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब आप जब जितना ज़्यादा फाइल में काम करेंगे आपको कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर एक ही फाइल में आप सिमिलर चीज़ों को कॉपी पेस्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कैसे करेंगे प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप जितना भी 3D एलिमेंट है इस स्टोरी का आप देख लीजिए, जो स्टोरी मैंने बताया ये वाला, इसमें मान लीजिए एक पेड़ है, 2 पेड़, 3 पेड़, हम लोग 2-3 अलग वैरायटी का पेड़ करेंगे। मतलब पेड़ का वैरायटी का मतलब क्या है, सिर्फ इसको कॉपी करना है और ये पेड़ का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो थिकनेस है, ये सब थोड़ा छोटा बड़ा करना है, तो वो अपने आप दूसरा पेड़ बन जाएगा। दूसरा पेड़ मुझे ये बेस से बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया, तो ये वाला सब बन जाएगा। ओके, सो इस वीडियो को भी हम प्ले करके देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स का हमको आइडिया आएगा। तो जैसे पहाड़ है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास बना के दिखाऊंगा एलिमेंट वाइज। सो 20 मिनट्स हो गया, सो थैंक यू फॉर दिस सेकेंड क्लास, यहाँ तक बना के सेव कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, आफ्टर दैट वी विल गो टू द थर्ड क्लास। थैंक यू।